गाइज वेलकम बैक टू माई व्लॉग, वेलकम बैक टू दीपिका व्लॉग्स में आपका ढेर सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने बर्थडे के लिए की है खूब सारी शॉपिंग, अब मैंने इसे किया है कुछ मिंत्रा से, कुछ अमेजोन से, कुछ मीशो से, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर साइट से ऑर्डर्स नहीं करती हूँ। जब मुझे जहाँ से भी पसंद आता है मैं बाय कर लेती हूँ, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो कहीं से भी बाय करो। सो गाइज, आज मैं आपके साथ वो सारी शॉपिंग शेयर करूंगी। कैसा लगेगा आपको, कौन से प्रोडक्ट आपको अच्छे लगेंगे, कौन से नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ बाय करना चाहें, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, जाके जरूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को बिना कोई देरी किए। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो है एक स्लिंग बैग। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं इस तरीके का एक बैग ढूंढ रही थी। देखो गाइज, पहले तो इसका आप डिजाइन देखो, ऑफ व्हाइट कलर में है एंड यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे एक डिजाइन बना हुआ है एंड यहाँ पे ना प्रॉपर बीड्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हो, नजदीक से मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ना प्रॉपर बीड्स लगे हैं, पोर्ट्रेट है। सो मुझे ये बैग काफी अच्छा लगा, ये देख सकते हो आप गाइज, पीछे से प्लेन आएगा एंड यहाँ पे ना गोल्डन कलर की आपको चेन भी एड की गई है, बहुत ही क्लासी लगता है। इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर ना आपको स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, जैसे स्लिंग होता है बिल्कुल वैसे ही आपको स्पेस दिया गया है इसके अंदर। आप अपना फोन कैरी कर सकते हो, कार्ड्स या फिर थोड़ा बहुत कैश, थोड़ा बहुत मेकअप भी आपका इसमें आ जाएगा। तो मुझे स्लिंग बहुत पसंद आया गाइस, तो मुझे ना बहुत टाइम से मन था इसे लेने का, तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो बर्थडे पे ही इसे ऑर्डर कर लिया है। और इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी बहुत अच्छी आई है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और चेन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप सबसे अच्छी बात है कि इसे आप इंडियन के साथ, वेस्टर्न के साथ, दोनों के साथ कैरी कर सकते हो। तो फर्स्ट है ये वाला प्रोडक्ट जो कि मैंने बाय किया है, आई थिंक अंडर 1500 रुपीज इसके आसपास इसका कॉस्ट था। जो प्राइस एंड जो डिटेल्स है ना यहाँ पे स्क्रीन पे देती जाऊंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे एक्चुअली याद नहीं है कितने का था, लेकिन बहुत ही प्यारा लगा। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये वाला गाइस। उसके बाद गाइस, मैंने वहां से ऑर्डर किया है दो टी शर्ट्स का कॉम्बो। अब ये मैंने मंगवाया है अमेजोन से, तो फर्स्ट और ये क्लोविया ब्रांड से है। क्लोविया ब्रांड्स की टी शर्ट्स बहुत अमेजिंग आती है, मैंने एक दो बार पहले भी ट्राई की है गाइस, तो आप डेफिनेटली ये ब्रांड ट्राई कर सकते हो। सो ये देखो, फर्स्ट टी शर्ट है ये वाली, इस तरह का राउंड नेक आ जाएगा एंड ये जो प्रिंट है ना ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, जैसे बीचेस पे जाने के लिए जैसे वो वाला फील आता है ना, वो वाला फील आता है इसको पहनने के बाद, बड़ा अच्छा लगा मुझे प्रिंट। आप देख सकते हो बेस है इसका व्हाइट कलर का है, उस पर इस तरीके की लीव्स बनी हुई है अलग अलग कलर्स की। और ये इसका बैक हो जाएगा, छोटी सी मेगा स्लीव्स आ जाएंगी। इसका जो ट्रायन है आपको साइड पे दे दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये इसकी लेंथ आ जाएगी। तो टी शर्ट की क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई गाइस, फर्स्ट है ये वाली टी शर्ट। मैंने इसे ऑर्डर किया था मीडियम साइज में, सो ये फर्स्ट ये वाली है। एंड उसके बाद मैंने इसके साथ जो कॉम्बो था ये दोनों टी शर्ट्स का, तो ये सेकंड है ये वाली गाइज, ये मेहंदी ग्रीन कलर की टी शर्ट है, इस तरह का इस पे पाइनएप्पल बना हुआ है। सो ये इसका सेकंड है, ये भी क्लोविया से ही है, कॉम्बो में मैंने इसे ऑर्डर किया है। ये देख सकते हो आप, दोनों ही टी शर्ट्स के जो ट्रायन है ना वो आपको साइड पे दिख जाएंगे किस तरीके का लुक आ रहा है। ये मैंने अमेजोन से कॉम्बो ऑर्डर किया था और मुझे दोनों टी शर्ट्स पड़ गई थी, आई थिंक ये 600-700 के आसपास। सो ये भी आप अगर चेकआउट करना चाहो, क्योंकि क्वालिटी काफी अच्छी है गाइस, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है और काफी पहनने के बाद अमेजिंग लगती है, तो इसे आप समर्स में जरूर ट्राई कर सकते हो। तो इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी। उसके बाद गाइज, मैंने एक ऑर्डर किया है ड्रेस, शॉर्ट ड्रेस। अब ये मैंने इसका ना मुझे प्रिंट इतना पसंद आया तो मैंने इसे बाय कर लिया। ये देखिए गाइज, ये इस तरीके के कुछ आर्टिकल है, क्रेप फैब्रिक है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ मिलेगा, क्योंकि जो प्राइस मैंने पे किया ना उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी सही सही है, ओके ओके है। सो ये इसका मैंने इसे बाय किया सिर्फ इसके प्रिंट की वजह से, मुझे प्रिंट बहुत पसंद आया इसका, इस तरीके का इसका ऊपर का पोर्शन आ जाएगा एंड स्लीव्स इस तरीके से आएंगी। ये देख सकते हो आप, थोड़ी सी डिटेलिंग आपको स्लीव्स पे मिल जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से फ्रिल ऐड किया हुआ है दोनों स्लीव्स पे। यहाँ पे एक आपको बेल्ट दे दी गई है एंड इस तरीके से इसकी लेंथ आएगी। इसका जो लुक है, किस तरीके की वेयर करने के बाद लुक आ रहा है वो भी आपको स्क्रीन पे दे दूंगी मैं। मैंने इसमें खूब सारी रील्स बनाई हुई है, आप अगर देखना चाहो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो ये है ड्रेस गाइस, क्रेप फैब्रिक है एंड ये चिरोस्टा कोई ब्रांड है उसकी तरफ से है एंड ये मीशो से ऑर्डर किया था मैंने, इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसका प्राइस ना अंडर 500 था, तो अंडर 500 के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत सही है गाइस। आप 500 में 1000 या 2000 की क्वालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, तो उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है और ये आप इजीली पहन सकते हो यार, समर्स में पहनने के लिए परफेक्ट है। तो ये है नेक्स्ट ड्रेस, सो मैंने मीशो से बाय किया है, तो मुझे इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगा। उसके बाद गाइज, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो मैंने मंगवाया था एक जंप सूट,
जंप सूट में भी शायद आपने मुझे इसमें देखा हो पहले रील्स में, मैंने बहुत बार इसको शेयर किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार नज़दीक से दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके का लुक इस जंप सूट का आता है। ये इसका जो लिंक है, इसका जो व्यू है, किस तरीके का स्क्रीन पे था यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, देख लीजिएगा आप, तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे व्यू आ जाएगा। ये इसका नेक है गाइज, यहाँ पे फ्रिल्स ऐड की हुई है, देखो कितना प्यारा सा। सबसे अच्छी बात है कलर बहुत प्यारा है, समरिश कलर है, बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही अच्छा है गाइज, मतलब पहनने के बाद ना आपको फील भी नहीं होगा। ये देखिए ये नीचे का इसका पोर्शन आ जाएगा बॉटम का, और ये जंप सूट बहुत प्यारा है, और पीछे जो है आपको इसके चेन मिल जाएगी पूरी, आपको फुल चेन मिल जाती है, और साथ में इसके यहाँ पे बेल्ट की डिटेलिंग भी आ जाती है। इसको पहनने के बाद भी बहुत प्यारा लुक आता है गाइज, उसका जो ओवरऑल लुक है ना वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी। ये जो जंप सूट मैंने मंगवाया था गाइज, ये भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आई थिंक ये 1000 रुपीज था। ये भी मैंने मिंत्रा से ही ऑर्डर किया था, तो मुझे क्वालिटी वाइज बहुत अमेजिंग लगा, मैंने बाय करना चाहूँ 1000 रुपीज, वेरी गुड प्रोडक्ट, तो इसे आप ट्राई कर सकते हो। और इसमें मैंने मंगवाया था गाइज मीडियम साइज। सो चलिए नेक्स्ट ड्रेस की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट ड्रेस है ये देखिए गाइज, ये है वो ड्रेस, ये भी शॉर्ट ड्रेस है, ये भी मैंने मिंत्रा से मंगाई है, ईशीन ब्रांड से है ये, और ये इस तरीके की इसका जो नेक पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये इस तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी, आप देख सकते हो आप पोमपोम स्टाइल में कुछ यहाँ पे देखिए, नेक पे आपको पोमपोम स्टाइल मिल जाएगा, बैक पे भी इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है, सो ये नेक पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद जो स्लीव्स हैं बहुत स्मार्ट स्लीव्स है, देखो यहाँ पे भी आपको डिटेलिंग ऐड करके दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेल्ट स्लीव्स इन्होंने ऐड किया, और यहाँ पे जो पोर्शन है ना ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो इस पे आपको सेम डिटेल मिल जाएगी गाइज। उसके बाद जो इसका नीचे का पोर्शन है गाइज, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अमेजिंग लगा मुझे। ये देखिए ये जो आपका फ्लेयर पोर्शन है ना नीचे वाला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका लेस वर्क डिटेलिंग है, एंड यहाँ पे भी आपको पोमपोम की डिटेलिंग है, पूरा जो इसका फ्लेयर है ना नीचे का वो बहुत प्यारा, और काफी हैवी ड्रेस है गाइज, इतना अमेजिंग लग रहा है ना, इसको वेयर करने के बाद भी बहुत प्यारा लुक आया। स्क्रीन पे आपको इमेज दे दूंगी, आप देखिएगा कैसी लग रही है मुझ पे, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये देखो गाइज मुझे ड्रेस काफी अच्छी लगी, ऑफ वाइट कलर में है, एंड इसमें मैंने ऑर्डर किया है स्मॉल साइज, जो कि मुझे परफेक्ट है, और आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे मंगवा सकते हो। सबसे अच्छी बात ड्रेस की क्वालिटी काफी अच्छी है, नी लेंथ ड्रेस आएगी आपको गाइज, नी लेंथ तक आपको आराम से आ जाएगी, और ऑफ वाइट कलर है तो समर्स के लिए परफेक्ट है, और कॉटन फैब्रिक है, कॉटन तो आप इजीली वेयर कर सकते हो, समर्स में कहीं जाना है, गेट टुगेदर में जाना है, कहीं फंक्शन अटेंड करना है, तो आप इजीली इसे वेयर कर सकते हो, बहुत स्मार्ट लगने वाली है। तो मैं इसे बर्थडे के लिए लेकर आई थी, बर्थडे के लिए मैंने इसे मंगवाया था गाइज मिंत्रा से, और बर्थडे पे मैं वेयर भी करूंगी, आपको उसका ही मैं यहाँ पे क्लिप दे दूंगी, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो ये है नेक्स्ट ड्रेस गाइज। उसके बाद गाइज मैंने कुछ ज्वेलरी भी ऑर्डर की है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक यहाँ पे इस तरीके के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था, ये पेंडेंट भी मैंने मीशो से ही लिया था, मुझे ना एक्चुअली इस तरह का पेंडेंट बहुत टाइम से चाहिए था, बट मैं सोच रही थी कि मंगाऊं कि नहीं मंगाऊं, बट मैंने सोचा कि चलो बर्थडे है तो ऑर्डर कर ही लेते हैं, इसी मौके पे मैंने इसे ऑर्डर कर लिया गाइस, और मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसका लुक दिखा दूँ, स्क्रीन पे इमेज दे दूंगी गाइस किस तरीके का लग रहा था ये। और ये देखिए ये कुछ पेंडेंट मैंने मंगवाया था, ये हार्ट बीट वाला जो डिजाइन है ना ये मुझे बड़ा पसंद आया गाइस, और इसको पहनने के बाद जो लुक है वो भी ट्राई ऑन भी मैं आपको दे दूंगी, स्क्रीन पे आपको पता चल जाएगा कैसा लग रहा है। ये देखिए ये बड़ा प्यारा सा लगा मुझे पेंडेंट, और काफी अफोर्डेबल है गाइस, ये मुझे अंडर 150 रुपीज मिल गया, मतलब मुझे ना इतना प्यारा सा लग रहा था, सिंपल सोबर सी चेन है, आपको नेक में वेयर करने के लिए कुछ चाहिए है, आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप इजीली इस तरह के पेंडेंट्स कैरी कर सकते हो, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो आप कोड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप भी बाय करना चाहो एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत अमेजिंग है। उसके बाद गाइज मैं लेकर आई थी अपनी लोकल गहना स्पोर्ट की शॉप से, इनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम से भी बाय कर सकते हो। तो मैंने इनसे कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, आई थिंक मैंने खुद जाके ले ली थी, क्योंकि मेरे तो सिटी में ही स्टोर अवेलेबल है, तो मैं वहीं से लेकर आई थी, बर्थडे से पहले ही लेकर आई थी। सो देखिए एक मैंने यहाँ से लिया है गाइज, फर्स्ट वन इज दिस इयर रिंग्स गोल्डन कलर के, गोल्डन है तो मेरा सबके साथ जाता है, सभी आउटफिट्स पे मैच कर जाता है, मोस्टली इंडियन आउटफिट्स पे, और ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ जो ट्रायोन है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, काफ़ी सही है, प्राइस भी सही था और क्वालिटी भी अच्छी है, तो फर्स्ट ये वाला मैंने वहाँ से ट्राई किया है। नेक्स्ट प्राइज मैंने वहाँ से लिया था एक ब्रेसलेट, जो कि मुझे बड़ा ही पसंद आया था, ये आप देख सकते हो गाइस ब्रेसलेट, ये देखिए इसकी फिनिश बहुत अमेजिंग है, ये देखो, और ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, तो आपको टाइट लूज का भी कोई फिटिंग का कोई इशू नहीं है, आप इसे इजीली इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से वेयर कर सकते हो, ये देखो
तो ये भी मैंने उस मैरिज के लिए ही इस जंप सूट के साथ ही कैरी किया था, तो ये वाला ब्रेसलेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्राइस वाइज भी सही है। और थर्ड मैं वहाँ से लेकर आई थी ये चेन, लेयर्ड चेन गाइज, ये आप देख सकते हो, इसका भी क्लोज लुक आपको लगा दूंगी स्क्रीन पे, तो मैंने वेयर किया हुआ है, थर्ड ये था। तो ये तीनों चीज़ें मैं वहाँ से लेकर आई थी गाइज। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो गाइज, अब मैंने अपने लिए शॉपिंग की है तो मॉम को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। मॉम के लिए मुझे कुर्ता पसंद आ गया था, तो चलो वहीं से मैंने वो भी बाय कर लिया मित्रा से। वो जो ब्रांड है वो है अहिका। अहिका से पहले मैंने कई कुर्ते ट्राई किए, अहिका के कुर्ते उसकी क्वालिटी जो होती है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। सो ये है कुछ इस तरीके का, ये जो पिस्ता ग्रीन कलर का ये कुर्ता आ जाएगा गाइस, इसका इस तरह से राउंड नेक आ जाएगा और इस पे ना पूरे कुर्ते पे इस तरह के वाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, कलर बड़ा प्यारा लगा मुझे इस कुर्ते का, तो मैंने इसे बाय कर लिया। मोम के लिए मैंने इसे मंगवाया था डबल एक्सेल में, क्योंकि कॉटन है गाइस, कॉटन ना थोड़ा श्रिंक हो जाता है, तो मोम का साइज जैसे एक्सेल है बट मैंने डबल एक्सेल इसलिए ऑर्डर कर लिया, श्रिंक होगा भी तो डेफिनेटली उनको फिट हो जाएगा। सो इस तरीके की ये 3-4 स्लीव आ जाएगी गाइस, और स्लीव्स पे भी इस तरीके का आपको डिजाइन मिल जाता है इस तरीके का दोनों स्लीव्स पे। उसके बाद गाइस ये जो फुल कुर्ता है, स्ट्रेट कुर्ता आएगा एंड फुल लेंथ कुर्ता आएगा, आप देख सकते हो, ये देखिए इस तरीके से कुर्ते की जो क्वालिटी है बहुत अमेजिंग है। ये मुझे पड़ गया था 550 रुपीज के आसपास, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था, और क्वालिटी वाइज देखो तो बहुत अमेजिंग लगा। तो इसको आप व्हाइट पैंट्स के साथ इजीली कैरी कर सकते हो, बहुत ही क्लासी लुक आ जाएगा, मुझे अच्छा लगा, समर्स के लिए परफेक्ट है। सो ये भी मैंने वहाँ से ऑर्डर किया मॉम के लिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसका लिंक ट्राई कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ गाइस, अपने लिए भी ट्राई कर सकते हो अपने साइज में, मैंने मॉम के लिए मंगवाया था। तो अब बात करते हैं गाइस लास्ट आइटम की, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने वैसे अपने लास्ट व्लॉग में एक बार आपको दिखाया था बट मैंने अभी तक इसे वेयर नहीं किया, बर्थडे के लिए ही मंगवाया था तो बर्थडे पे वेयर करूंगी। मैंने मंगवाई थी एक नियोन हील्स, तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, इस तरीके की नियोन हील्स मंगाई थी गाइस, ये देखिए, ये यहाँ पे से आपको इस तरीके का यहाँ पे बैंड मिल जाता है दोनों ट्रांसपेरेंट इस तरीके से, और ये हील्स हैं, ब्लॉक हील्स हैं ये गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हो, पूरा ही जो है नियोन कलर में है, ये जो बेस है इसका पूरा नियोन कलर में है, एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, स्टर्डी है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे ना आपको कुशनिंग ऐड की गई है, आपको वेयर करने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, एंड जो ये बैंड्स लगाए हुए ना इनकी वजह से लुक बड़ा सही आता है, मतलब पैरों की शोभा ही बढ़ जाती है। और बड़े दिनों से ना मैं सोच रही थी कि मैं नियोन हील्स ट्राई करूँ, बट फाइनली मैंने बर्थडे पे शॉप कर लिया और ये इसका बैक आ जाएगा गाइस। और हील्स के साथ ना, मतलब ब्लॉक हील्स के साथ सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आप वेयर करते हो ना आपको उसके बाद कंफर्टेबल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैर इधर उधर जाने के चांसेस कम। हील्स है नेक्स्ट इस तरीके से, इनका प्राइस जो था वो भी स्क्रीन पे मैं आपको मेंशन कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, ट्राई करना चाहो एक बार, डेफिनेटली ट्राई करना, बड़ी सही लगती है मुझे। वैसे सभी आउटफिट के साथ तो नहीं जाती बट हाँ नियोन हील्स लेनी थी तो ले ली। तो चलो गाइज ये थी मेरी बर्थडे की शॉपिंग, होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा, शॉपिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, लिंक आपको सबके मिल जाएंगे वहाँ पे, इन केस आपको कुछ फिर भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी। सो आज का व्लॉग यहीं तक था गाइज, इसके बाद आपको मेरा बर्थडे व्लॉग भी देखने को मिलेगा, अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली व्लॉग को मिस करना नहीं चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइज, ताकि आपको व्लॉग मिस ना हो। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।